नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्टोनॉमिक में। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि चाइना में जो पावर शॉर्टेज है, जो पावर की क्राइसिस है, उसका क्या रीज़न है, उसके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है और साथ ही साथ इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में। तो चलिए सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चाइना में जो पावर क्राइसिस हुआ है, जो बिजली की किल्लत है, उसका क्या रीज़न है। तो चाइना में जो 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल पावर के यूज़ होती है, यानी उसका उपयोग कोल के थ्रू किया जाता है। और जो पावर कंजम्पशन जो हुआ है चाइना में आफ्टर कोविड, सो वहाँ पे एक चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पावर कंजम्पशन टारगेट सेट किया था जिसपे आपको उतना पावर कंज्यूम करना है। सो जो चाइना में जो पावर कंजम्पशन हुआ है, जो सेट टारगेट था, उससे डबल का कंजम्पशन हो गया है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस बढ़ गया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रहा है चाइना में, वो उस तेजी से नहीं बढ़ा है जिस तेजी से कंजम्पशन बढ़ा। अब इसके मल्टीपल रीजन है कि क्यों ये सारी पावर जनरेशन कंपनी ने अपना प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं बढ़ाया, क्योंकि चाइना में जो कोल का शॉर्टेज हुआ है, बिकॉज चाइना इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड कंज्यूमर, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो कोल्ड इंपोर्ट है उन्होंने बैंड किया हुआ है। हम इसको बोल सकते हैं अनऑफिशियली बैंड किया हुआ, बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल। अभी सबको पता है कि जो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन उनके इतने अच्छे नहीं, इसलिए चाहे वो कोल हो या किसी भी तरह का मिनरल्स हो, दे आर नॉट इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना। सो इसके एवज में जो पावर जनरेशन कंपनियां थी चाइना में, उन्होंने इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट करना चालू किया। इवन दो वो कोल जो था काफ़ी एक्सपेंसिव था, कुछ हद तक जो डिमांड थी उनकी कोल की वो इंडोनेशिया से मीट हो पाई। उन्होंने इन बिटवीन मंगोलिया से भी कोल इंपोर्ट किया, बट जो कॉस्ट ऑफ कोल होता था, जो वो लोग इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते थे, वो दिस पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। और ये एक्सपेंस जो ये पावर जनरेटिंग कंपनियाँ थी वो कंज्यूमर में पास ऑन नहीं करती थी, बिकॉज चाइना में जो पावर के प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि ये पावर जनरेटिंग कंपनियां। सो ये जो सारी कंपनियां थी, देवर लीस्ट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। और एक प्रॉब्लम और था कि जो भी चाइनीज बैंकर्स थे, देवर नॉट सपोर्टिंग दिस पावर जनरेटिंग कंपनी, बिकॉज इनकी बैलेंस शीट की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो कोल की जो प्राइस है वो कंज्यूमर एंड कंज्यूमर को वो पास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो ये तिल्लते रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे तो तीन चार चीज़ें मिल के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के हम सिचुएशन पे पहुँचे हैं जहाँ पे इस तरह का ब्लैकआउट सिचुएशन हुआ है। लास्ट जो पॉइंट है, पिछले अगर हम 2-3 साल में देखें, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो अपनी कोल की माइनिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है, क्योंकि उनको पोल्यूशन कंट्रोल करना है, कार्बन एमिशन में उनको आना है उनको, बिकॉज हम सबको पता है कि विंटर में जो बीजिंग में ओलंपिक हो रहा है वहाँ पे भी चाइना को अपने आप को पोजीशन करना है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। उनको ये भी दिखाना है कि उन्होंने कितना ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल किया है। तो ये जो 6 पॉइंट्स रहे हैं, ये सारे रीजंस रहे हैं चाइना में जो इस तरह का जो ब्लैकआउट सिचुएशन होगी, जो पावर क्राइसिस हो गई है चाइना में। अब देखते हैं चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या है अभी तक जो क्रैकडाउन बोले या जो भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो किस प्रकार के समझते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने क्रैकडाउन किया, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग जो जो इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बोल्ड, ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रोविंस हैं जो 60-70% चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे उन्होंने आइदर कुछ इंडस्ट्रीज को 100% बंद करने को बोल दिया है, या फिर कुछ को उन्होंने 2 से 4 दिन ऑपरेट करने को बोला है ऑन द वीकली बेसिस। और ये जो 3 मेन इंडस्ट्रियल प्रोविंसेस हैं, इसमें गोंगडाओ है, जिंगसू है, जिंगजियांग है, ये 3 ऐसे मेजर प्रोविंस हैं जहाँ पे समझ लीजिए चाइना की 1/3 इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है। वहाँ पे इन्होंने इतना हार्श स्टेप लिया है, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट का मानना है कि अगर यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन है उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्राइसिस और सीवियर हो सकता है, जिसको फ्यूचर में फिर कंट्रोल करना काफ़ी दिक्कत होगा। जो सेकंड मेजर स्टेप्स इन्होंने लिया है, जो भी रेजिडेंट है, जो निवासी हैं चाइना के, वहाँ पे उनको क्लियरली बोला गया है कि आप एसी का उपयोग नहीं कर सकते, कोई भी ऐसे
हैवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसपे पावर कंजम्पशन होता, साथ में जो पावर सप्लाई जो ये सारे रेजिडेंट एरिया में रहा, हार्डली 1 या 2 घंटे की पावर सप्लाई होती है दिन में। लोग अपने मोबाइल की टॉर्च में खाना खाते हैं और उस मोबाइल की टॉर्च को ही वो लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ऐसे सिनारियो जो भी ऑफिस एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे इवन लिफ्ट के यूज को मना कर दिया गया, एम्प्लॉय को ये बोला जा रहा है कि आप स्टेयर केस का यूज कीजिए। और मैंने सिर्फ ये 3 ऐसे मेजर चीजें हैं जो आपको हाईलाइट किया हुआ है। सिचुएशन चाइना में ऐसी है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं जल रहे हैं, इनफैक्ट जो ट्रैफिक सिग्नल है वो लाइटें तक नहीं जल रही है चाइना में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का सीवियर क्राइसिस चल रहा है चाइना में इन टर्म्स ऑफ दिस पावर शॉर्टेज। अब बात करते हैं कि इस पावर क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना हम सबको पता है कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, सो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। बिकॉज हम वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी यूज करें उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो सकता है, समथिंग और द अदर मस्ट हैव मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर ये सारी इंडस्ट्रीज पे जो क्रैकडाउन आया है, सो हम आने वाले समय में देखेंगे कि जो भी जो प्रोडक्ट जो फाइनल फिनिश गुड्स है वहाँ पे हमको शॉर्टेज दिखेगा, यानी ओवरऑल पूरी असेंबली लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हम ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने वाले हैं फ्यूचर में। साथ में अगर हम देखें बिकॉज द माइनिंग एक्टिविटी चाइना में अब बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पावर शॉर्टेज, तो हम देखेंगे मेटल और कमोडिटी के प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड कमोडिटी, और वो खुद भी लार्जेस्ट कंज्यूमर है मेटल और कमोडिटीज का। तो यहाँ पे ग्लोबल फिर डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ उस डिमांड और सप्लाई का मिसमैच रहेगा, तो हम देखेंगे प्राइस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट होंगे। साथ में इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, तो उसमें जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनी है जो एसी फ्रिज टीवी वगैरह बनाती हैं वो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमारे जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं हम पहले ही देख रहे हैं कि वो सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, उनको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं जो वेंडर्स हैं जो ओईएम्स हैं सप्लायर्स हैं वो चाइना में बेस्ड आउट है। तो यहाँ पे एक हम देखेंगे कि सीवियर प्रॉब्लम आते हुए दिखेगा, बहुत सारी गाड़ियों की प्रोडक्शन डिले होगी। फार्मा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें एपीआई एक प्रोडक्ट होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जो चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है एपीआई का। तो हमारी जो इंडियन फार्मा कंपनी है उनकी भी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है एपीआई को लेके चाइना से। सो वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कैसे इंडियन फार्मा कंपनी मैनेज करती है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ एपीआई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अब इस डेवलपमेंट के बाद क्या चैलेंज आता है हमको देखना पड़ेगा। साथ में जो केमिकल सप्लाई है, सो चाइना अगेन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल, जहाँ पे इंडिया बहुत सारा केमिकल जो है चाइना से इंपोर्ट करता है अपने फर्दर केमिकल प्रोडक्शन के लिए। सो ये एक इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी केमिकल कंपनी को चाइना ने ऑलरेडी शट डाउन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन की वजह से। ना अब चौथा जो पॉइंट है, इंडिया इससे बेनिफिट कैसे हो सकता है, तो इंडिया विल इमर्ज एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब इन साउथ ईस्ट एशिया। अब इसका रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें तो एज ऑफ नाउ इंडिया काफ़ी वेल पोजिशन है, जो हमारे नए टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसकी वजह से हम देखें। बट यस, हमको एक टफ कंपटीशन मिलता है जब हम इंडोनेशिया वगैरह का कंट्री से कॉम्पिट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिनर्जीज है वो हमेशा स्प्लिट हो जाती है सेंटर वर्सेस स्टेट में। सो सेंटर कुछ और चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाहती है। अगर ये दोनों सेंटर और स्टेट अगर मिल के काम करने लगें तो आई एम श्योर कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो चाइना से मोबालाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आफ्टर कोविड ये ऐसा हो गया है कि देर इज आई मीन जो बचा खुचा हुआ जो ट्रस्ट था वो चाइना पे, वो अभी आप देखेंगे कि कम होता हुआ जाएगा चाइना से। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं वो एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे चाइना से अपना पूरा स्टेब्लिशमेंट मूव आउट किया जाए। तो
आई थिंक इंडिया इज़ वेल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ चाइना। हम अगर अपने आप को एक अच्छे से बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल के अपने आप को पोजिशन करें मार्केट में, तो इस चीज़ का हम काफ़ी ज़्यादा मोनेटाइज कर सकते हैं। नाउ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो रिलेटिव प्रोडक्ट्स हैं, रिलेटिव प्रोडक्ट्स में आप समझ लीजिए कि जैसे बहुत चाइना फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड हैज़ इम्पैक्टेड जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स होते थे, जो जो फिनिश गुड्स होते थे हमारे यहाँ पे, वहाँ पे हम देखेंगे जो गारमेंट इंडस्ट्रीज को जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और फैब्रिक्स वाली जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री रहा है, वहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया के लिए, जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, क्योंकि चाइना में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी हद तक बंद करने को बोला गया है इस सिनारियों के बाद, इस पावर क्राइसिस के बाद। तो मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि जो भी रिलेटिव एक्सपोर्टर्स हैं, जो अभी तक बिकॉज ऑफ द चाइना कॉम्पिटिटिव रेट की वजह से वो मार खाते थे, वो उनको एक एज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इन चाइना। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।